गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पिछले वाले टॉपिक में डाइजेस्टिव सिस्टम के पिछले वाले टॉपिक में एलिमेंट्री कैनाल के पूरे पार्ट्स के बारे में जाने कि एलिमेंट्री कैनाल का एक पूरा फिगर देख करके किस प्रकार से उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग उसी पार्ट्स को जो यहाँ पर जो है डिटेल में चलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, जैसा कि पहले बता चुके हैं कि एलिमेंट्री कैनाल की साइज की बात किया जाए, इसकी साइज अप्रॉक्स 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है, यानी कि कहीं ना कहीं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो ह्यूमन जो है वो हार्बीवोर, यानी शाकाहारी होता है। तो साइज की 8 से 10 मीटर लंबी। अगर इसके पार्ट्स की बात किया जाए, पार्ट्स की तो बता चुके, चार पार्ट्स में बटा होता है। सबसे पहला इसमें बताया था बक्टोफेरेंजियल कैविटी। तो आज हम लोग पहले बक्टोफेरेंजियल कैविटी को थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। बक्टोफेरेंजियल कैविटी पहला पार्ट। बक्टोफेरेंजियल कैविटी को हिंदी में कहते हैं मुख ग्रासन गुहिका। मुख ग्रासन गुहिका ये जो दो भागों में होता है, सबसे पहला इसका जो भाग होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी इसको हिंदी में कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा यानी मुख के जो खाली स्थान है उसी को जो दिखाई पड़ रहा है, जब मुख खोलेंगे तो दिखाई पड़ने वाला स्थान है उसे कहते हैं मुख गुहा। जो मुख गुहा होता है ये इसमें कई सारे भाग होते हैं। सबसे ऊपर की ओर, इसमें अपर की ओर अगर देखें तो ऊपर की ओर जो है एक ताल होता है, पैलेट होता है, ताल होता है ऊपर की ओर, ताल होता है। अगर इसके हम लोग जो है लोअर में आए, नीचे की ओर देखें तो जीभ होता है, नीचे की ओर जो है जिह्वा जीभ होता है। अगर इसके लैटरल साइड में देखें, पार्श्वीय भाग में देखें तो इसमें जो है टीथ होता है, दांत होते हैं और चीक्स होते हैं, गाल भी होते हैं। अगर इसके जो है हम लोग पोस्टीरियर रीजन में जाकर देखें, पश्च भाग में, इसके पिछले भाग में देखें तो एक यूबिला यहां पर होता है, ठीक है। तो ये यहां पर जो है ये पूरा पार्ट, और आगे की ओर होंठ से जो है ये घिरा होता है। होंठ पर ये जो यहां देख रहे धारी, इसको हम लोग फिल्ट्रॉन कहते हैं। इसके कार्य अभी तक अननोन, इसको फिल्ट्रॉन नाम दिया गया है, कार्य अननोन है। तो सबसे पहले एक एक पार्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैलेट की। पैलेट यानी ताल। ताल जो होता है ये दो भागों में बटा होता है, एक अग्र भाग जो होता है इसको, ये भी दो भाग, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एक अग्र भाग होता है और एक पश्च भाग होता है। जो अग्र भाग होता है ये अग्र भाग यहां पर जो है काफी कठोर होता है, यानी ये बोनी होता है, बोनी पैलेट इसको कहते हैं, काफी कठोर होता है, हार्ड होता है। जबकि पश्च ताल होता है उसको कार्टिलेज पैलेट कहते हैं, क्योंकि उपास्थियों से मिलकर के बना होता है कार्टिलेज पैलेट, और वो काफी जो है सॉफ्ट होता है, चिकना होता है। ताल के कार्य की बात करें, ताल का मुख्य कार्य होता है जो हमारी नासिका होती है, ये नासिका इसलिए इतनी लंबी है क्योंकि हमारा मुख गुहा थोड़ा सा बड़ा है, तो इस नासिका को और जो मुख गुहा को उसको पृथक करने का काम करता है ताल। तो ताल का काम क्या है, नासिका को मुख गुहा से पृथक करने का कार्य होता है, ये होता है ताल। दूसरा अगर हम लोग पढ़े तो टीथ होता है। टीथ जो दांत होता है हम लोग के दांत, जो मनुष्य होता है ह्यूमन का जो दांत होता है वो डाइफियोडॉन्ट है, द्विबार दंती, दो बार दांत का आना। हेट्रोडॉन्ट विषम दंती, अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और चीकोडॉन्ट मतलब कि काफी गहराई में धंसा हुआ जो दंत होता है। तो डाइफ्रोडॉन्ट जो होता है द्विबार दंती, यानी दो बार दांत होता है। एक सबसे पहला जिसमें आता है इसको हम लोग लैक्टियल टीथ कहते हैं, लैक्टियल या मिल्क टीथ, पता होगा, ठीक है। कई बच्चों के तो अभी जो जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि कुछ हाई स्कूल के भी कुछ टॉपिक उसमें मिलाकर दे दिया जाए, तो कुछ उस प्रकार के, या फर्स्ट ईयर के भी कुछ टॉपिक से रिलेट करता है, तो उनमें भी दूध के दांत पूरे निकले भी नहीं रहते, मतलब दूध के दांत पूरे झड़े ही नहीं रहते कि स्थायी दांत आ जाए। तो उसी जो दूध का दांत होता है उसी को कहते हैं लैक्टियल या मिल्क टीथ। दूसरा इसमें होता है डाइफ्रोडॉन्ट में परमानेंट टीथ।
अस्थाई दांत। अब जो दूध का दांत होता है जिसको लोग क्षीर दंत कहते हैं, हिंदी क्षीर दंत, ये जो इसकी संख्या होती है 20 होती है और इसकी संख्या पूर्ण वयस्क में 32 मानी जाती है। तो 20 दांत जो क्षीर दंत होता है और अस्थाई दंत में 32 होता है। फार्मूला अगर इसके देखें तो फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आगे चलते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। हेट्रोडॉन्ट की बात करते हैं तो हेट्रोडॉन्ट मतलब होता है चार प्रकार के दांत होना। हम लोग को चार प्रकार के दांत होते हैं, एक इंसीजर होता है, इंसीजर, एक कैनाइन होता है, कैनाइन, एक प्रीमोलर होता है और एक जो होता है मोलर होता है। इस तरह से चार प्रकार के दांत, इंसीजर सबसे आगे, इंसीजर, उसके ठीक नीचे जो काफी नुकीला होता है कैनाइन, उसको हम लोग जो छेदक भी कहते हैं। इंसीजर को जो है यहाँ पर इंसीजर जो है हम उसको रदनक कहते हैं, फिर करेंतक कहते हैं जो काफी नुकीला होता है, उसके दो दांत होते हैं, उसको प्रीमोलर कहते हैं, उसका तीन दांत होते हैं, जिससे चौहट जिसको कहते हैं, जिससे खाया जाता है उसको मोलर कहते हैं। तो ये चार प्रकार के दांत। थीकोडॉन्ट मतलब होता है जो दांत होता है, जैसे दांत यही है, एक दांत का चित्र बना लें, ये तो दांत जो होता है वो काफी गहराई में धसी होती है, देखेंगे तो इतना भाग लगभग धसा रहता है, इतना भाग दिखाई पड़ता है, तो मसूड़ों के काफी गहराई में धसा हुआ होता है, तो इसका नाम क्या है, थीकोडॉन्ट, गर्त दंती, द्विबार दंती, विषम दंती, गर्त दंती। अगर इसके फार्मूला क्या है, टीथ फार्मूला, टीथ फार्मूला, तो पहले बताए दो प्रकार के दांत है, पहला लैटरल टीथ है, लैटरल टीथ, इसका एक फार्मूला होता है लैटरल टीथ का, ये होता है 2102 इंटू 2 = 20, मतलब समझ नहीं आया, दो जो होता है इसमें इंसीजर, फिर तो एक जो है वो कैनाइन, जीरो यहां पर प्रीमोलर नहीं पाया जाता है और उसके बाद मोलर, बटे यही इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इस तरह से एक कम से एक आधे को लेकर के देख लेते हैं, तो 5 2 2 4 5 5 10, उसके बाद नीचे देखेंगे 10 × 20, तो 20 दांत यहां पर आते हैं लैटरल टीथ में। जो परमानेंट टीथ होता है उसका जो अगर देखें, परमानेंट टीथ ये 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2 = 32, दो इंसीजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर, तीन मोलर, अपन दो इंसीजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर, तीन मोलर और बटे दो, यानी अब नीचे से, तो यानी कुल जोड़ करके 2 2 2 3 2 5 3 8 8 8 2 16 16 2 9 32, आठ एक तरफ, आठ एक तरफ, आठ एक तरफ, आठ एक तरफ, तो 8 4 32, इस तरह से 32 दांत जो है हमारे पाए जाते हैं। तो ये दांत के बारे में था। ठीक, अब आते हैं जीभ, दांत के कार्य की बात करें तो दांत का कार्य पता है भोजन को चबाने, कूटने, पीसने आदि का इसका में कार्य होता है। दूसरा इसमें आता है, अगला लिस्ट आता है टंग, जीभ, जीभ, टंग। देखिए जीभ होता है बड़ी चलती है, जीभ जब चलती है तो पता नहीं क्या क्या करा दे, और जीभ बड़ी चटोर भी होती है, खूब जो लोग खाते हैं इसे, इसे स्वाद ले लेकर के खाते हैं इसे, जो जीभ है तो जीभ अब स्वाद लेकर के खा रहे, इसका मतलब क्या है कि जीभ के पास कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती होंगी, तभी तो उसके जो द्वारा खाते हैं। तो जीभ के पास जो स्वाद कलिकाएं होती है, सबसे आगे की ओर जो होता है यहां पर स्वीट होता है, मीठे की स्वाद कलिकाएं टेस्ट बड़े यहां पाई जाती है, उससे थोड़ा सा पीछे की ओर साल्ट यानी कि थोड़ा नमकीन वाला स्वाद कलिकाएं होती हैं, सबसे पीछे की ओर बीटर यानी कड़वा जो है स्वाद कलिका होती है, पार्श्व में जो है, जो लेटर साइड है पार्श्व में जो है वो खट्टे का अनुभव कराने वाली स्वाद कलिकाएं होती हैं। तो ये तो था जीभ में। जीभ जो होता है जीभ पर कुछ जो है उभार भी पाए जाते, देखे होंगे, वैसे जीभ के बारे में बता दें कि अग्रभागी केवल मूलवल होता है, इधर तो घुमा लेते दूसरे से बोल लेते हैं, इन जो पश्च भाग होता है वो मूलवल नहीं है, वो गतिशील नहीं होती है। तो जीभ जो होता है
आगे की ओर मीठा प्लस पीछे नमकीन, सबसे पीछे कड़वा, किनारे पर जो है वो खट्टा होता है। खट्टा स्वाद कलिकाएं होती है। इसी पर बहुत सारे कुछ जो है छोटे छोटे दाने जैसा है दिखाई पड़ते होंगे, कुछ इस तरह से जो है, कुछ जो है ऐसे, तो इसको कहते हैं पैपिली, लिंगुअल पैपिली, लिंगुअल पैपिली, यानी जिह्वांकुर। हिंदी में जिह्वांकुर कहते हैं। चार प्रकार के जिह्वांकुर पाए जाते हैं। सबसे पहले फिलिफॉर्म, फिलिफॉर्म, ये जो सूत्र सूत्रांकुर इसको कहते हैं। सूत्र जो है सूत्रनुमा होता है, फिलिफॉर्म होता है, फिलिफॉर्म पैपिली, फिलिफॉर्म पैपिली जो होता है, जैसे यहां पर अगर देखें इस चित्र में तो धानी व संस्थल दिखाई पड़ती है, इसको जो है सूत्रांकुर के नाम से जानते हैं, कि यहाँ पर फिलिफॉर्म पैपिली सूत्राकार जो है जिह्वांकुर होता है। दूसरा होता है फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म पैपिली, फंजीफॉर्म पैपिली जैसे थोड़ा सा गोल सी आकृति पाई जाती है, जैसे कि देखे होंगे मशरूम, मशरूम देखे होंगे बड़ा गोल गोल सा होता है, कुछ उस आकृति को देखते फंजीफॉर्म नाम दिया गया है। कवक के समान, कवक के समान फंजाई क्या है, कवक है वो, क्या नाम है मशरूम, क्या कवक है। तीसरा होता है फोलिएट पैपिली, पत्ती की आकृति, पर्णिल आकृति की, पर्णिल आकृति की संरचनाएं पाई जाए, पर्णिल आकृति की संरचनाएं भी पाई जाती है हमारे जीव पर, तो उसको जो है पर्णिल जिह्वांकुर कहते हैं। और चौथा होता है सर्पम वैलेट, सर्पम वैलेट पैपिली, यानी जो सबसे ऊपर की देख रहे उल्टे वी की आकृति शेप बना है, ये होता है सर्पम वैलेट पैपिली। तो चार प्रकार के जिह्वांकुर होते हैं, फिलिफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्पम वैलेट। जीव के अगर कार्य की बात करें तो जीव में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, इन स्वाद कलिकाओं के द्वारा जो है वो अपना जो है ये क्या नाम है भोजन के स्वाद को जो है हमें आभास कराते हैं, तो स्वाद कलिकाएं इससे प्रेजेंट होती है। और इसके साथ में भोजन को दांत तक पहुंचाना, भोजन में लार को मिलाना, ये सारे काम इनके होते हैं। ठीक, चौथे पार्ट से हम बात करें इसको युबिला कहते हैं, युबिला, युबिला इसको घाटी ढापन कहते हैं। ये घाटी ढापन सबसे पीछे की ओर देखे लटका रहता है, ठीक है, ये जो लटका होता है एपिग्लॉटिस के रूप में भी कहते हैं, ये जब हमारे जब भोजन करते हैं तो भोजन निगलते हैं उस समय जाकर के श्वास नली को बंद कर देता है, श्वास नली को क्या करता है बंद कर देता है, और श्वास नली जब बंद रहती है तो हमारे उस समय जब तक भोजन निगलते हैं हमारी श्वसन की क्रिया रुक जाती है। इसलिए रुकती है क्योंकि भोजन की कण जो है श्वास नली में न जाए, अगर श्वास नली में पहुंच जाएगा ना तो बचोगे नहीं, बहुत तेजी से जो है खांसी छींक आना, जिसको हिंदी में कहते हैं सुनसुनी चढ़ जाना, तो वो कंडीशन आ जाएगी, जानलेवा होती है, घातक होती है, अगर सही से उस सही समय पर ना निकले श्वास श्वसन क्रिया बाधित हो जाएगी और व्यक्ति की चले जाएंगे ऊपर। तो ये युबिला होता है, घाटी ढापन होता है, इसका काम होता है कि जब भोजन को निगलते तो उस समय भोजन के जो श्वसन द्वार है उस श्वसन द्वार को बंद कर लिए। ये थे इसके। अब बात करते इसी में की बनाया था सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड होता है, वैसे तो ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बक्टल कैविटी उसके बाहर होता है, क्योंकि बक्टल कैविटी मतलब खोखला स्थान, खोखले का स्थान कहीं लटका कोई ना हो तो दीवारों में, तो वहां से निकल करके जो लार होता है वो गिरता है। तो सलाइवरी ग्लैंड तीन प्रकार का होता है, एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड होता है इसको हिंदी में कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं, जहां पर कान होता है वहीं पर इसकी जो है उत्पत्ति, जहां कान की होती है वहीं पर ये पाया जाता है, कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं। इसमें एक नलिका होती है स्टेंसन्स डक्ट, स्टेंसन की नलिका, हिंदी में स्टेंसन की नलिका, स्टेंसन की नलिका जो होती है इसी के द्वारा जो इसमें लार होता है वो लार आकर के हमारे मुख गुहा में गिरता है। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर या मैगिलरी, ध्यान रहे दोनों कह सकते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, हिंदी में इसको कहते हैं अधोहनु ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि। इसमें भी एक नलिका पाई जाती है जिसका नाम है वार्टन्स डक्ट,
वार्टन की नलिका, इसके द्वारा भी जो लार होता है वो लार हमारे मुखगुहा में आकर के गिरता है। तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कोई एक अकेली नलिका नहीं होती है, इसमें 8 से लेकर के 20 नलिकाओं का समूह होता है, 8 to 20 डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं और इसको एक समूह में कहते हैं रिविनस डक्ट्स। तो इस रिविनस डक्ट्स के द्वारा जो है जो भी लार होता है वो लार हमारे मुखगुहा में आकर के गिरता है। अगर लार में बात करें सलाइवा की, तो लार में जो है हमारे बहुत सारे आवश्यक जो एंजाइम पाए थे, इसमें मुख्य रूप से एंजाइम होता है वो टैलिन होता है। टैलिन क्या करता है, एमाइलेज होता है। टैलिन क्या, एमाइलेज है। एमाइलेज क्या करता है, जो ये सब काम क्या होता है, जो स्टार्च होता है, इस स्टार्च को इसके जो है डाइसैकेराइड में तोड़ने का काम करता है एमाइलेज या टैलिन एंजाइम। साथ में भोजन को चिपचिपा और लसदार बनाता है, जिससे उसके भोजन के जो कड़ है वो आसानी से उसमें जो लार मिलता रहता है और वो आसानी से जो हमारे उसमें दांत पीछे जाए और उसको कूटा पीसा जाए और उसके जो जटिल अणु, जटिल अणु को धीरे धीरे सरल अणु में तोड़ा जाए, तो ये लार का काम होता है। और उसके अंदर फिर वो पहुंचता है आगे के जो भोजन होता है वो अगले भाग में पहुंचता है, इसी बक्को फैलर कैविटी में दूसरा भाग फैरिंक्स में पहुंचता है। कहां पहुंचता है, दूसरे भाग फैरिंक्स में। फायरिंग जो होता है अप्रॉक्स इसकी लंबाई बात करें तो 12.5 से लेकर के 13 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है एक होता है फायरिंग ग्रसनी। जब बक्कल कैविटी से भोजन को काट पीस करके छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तब वो पहुंचता है हमारे ग्रसनी भाग में। ग्रसनी जो होता है ये फनल शेप्ड का होता है, ये उल्टे जो है थोड़ा सा उल्टा होता है, फनल शेप एंड कीप नुमा। कीप नुमा, कीप मतलब समझते हैं जैसे जब से तेल उल नापते हैं कुप्पी इसको कहते हैं, तो उसे कुप्पी यानी कीप नुमा कहते हैं। तो कीप नुमा संरचना होती है, इसमें दो भाग होते हैं, एक इसका एंटीरियर पार्ट होता है एंटीरियर, अब एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट में जो दो भाग होते हैं, एक नेजोफेरिस होता है नेजोफेरिस, इसके द्वारा जो हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, जो वायु होता है वो नेजोफेरिस से जो है आगे विंड पाइप में जाता है, ट्रेकिया में जाता है। और एक होता ओरोफेरिंस, ओरोफेरिंस जो हम लोग भोजन करते हैं, जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों काट लिए हैं वो जो है ओरोफेरिंस के थ्रू हमारे अगले भाग यानी ग्रास नली में पहुंचता है। तो ये यहां पर होता है पोस्टीरियर रीजन, यहां से होते हुए पोस्टीरियर रीजन से होते हुए अंतिम में ओसोफेगस में प्रवेश करता है। तो ये जो होता है ये यहां पर बक्कोफेरिंजियल कैविटी पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। दूसरा होता है ओसोफेगस, बक्कोफेरिंजियल कैविटी पहला था, दूसरा है ओसोफेगस। ओसोफेगस जो है यानी कि यहां पर जो है ग्रास नली, ग्रास नली अप्रोक्स इसकी साइज की बात किया जाए तो इसकी साइज जो लगभग होती है एक वयस्क मनुष्य में लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी जो है एक ओसोफेगस होता है। एक नलिका होती है ट्यूब हो, ट्यूब लाइक होता है, नलिका लाइक जो होता है ट्यूब लाइक होता है, एक नलिका युक्त जो संरचना में पाई जाती है। और इसमें क्रमकुंचन जो गतियां होती है यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल क्रमाकुंचन, एक दिशीय पेरिस्टाल्सिस क्रमाकुंचन गतियां यहां पर होती है, एक दिशीय क्रमाकुंचन गतियां। क्रमाकुंचन गतियां क्या है, ये हमारे ओसोफेगस है तो इसमें ऐसे लहर उठती है, ऐसे ऊपर चल करके नीचे समाप्त हो जाती है, ऊपर चल करके नीचे समाप्त होती है। तो जो भोजन है वो भोजन आसानी से ऊपर से नीचे की ओर सरकता हुआ चलाता है। इसकी दीवारों में इसकी जो वाल होती है, इसी वाल में जो है इसके वाल की अगर बात करें, इसमें कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं, गॉबलेट ग्लैंड, गॉबलेट ग्लैंड पाए जाते हैं। गॉबलेट ग्लैंड की बात करें तो ये जो होता है यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ये ध्यान रखिए यही एक ऐसा है जो हमारी बॉडी में यूनिसेलुलर एक कोशिकीय ग्रंथि होती है, एक कोशिकीय ग्रंथि जाती है यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं। इस गॉबलेट ग्लैंड से जो है
म्यूकस का स्राव होता है, मतलब हिंदी में श्लेष्म का स्राव होता है, चिकना पदार्थ होता है, जिसके कारण इसकी चिकनाहट बनी रहती है और सड़ते हुए भोजन नीचे की ओर प्रवेश कर जाता है। तो ये तो पूरा था बक्टोफेरेंजियल कैविटी। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे स्टमक और इंटेस्टाइन। तब तक के लिए धन्यवाद।